नमस्कार, किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीतू गौरकेला आर्या। जी हाँ, किस्मत कनेक्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं आपके पूरे दिन की, आपका पूरा आज का दिन कैसा जाने वाला है और इसके साथ ही आपका भविष्य कैसा है अंकों के आधार पर। और इसके साथ ही लोगों को भी ये जानने की इच्छा होती है कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि क्या कुछ परेशानियां रहेंगी या किस तरह का पूरा दिन रहेगा और कैसी दिनचर्या रहेगी, भविष्य में क्या कुछ अड़चनें आ सकती हैं और उनको किस तरह से दूर किया जाए। इस कार्यक्रम में हम इसी को लेकर चर्चा करते हैं और मेरे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ। रंजना जी अंक शास्त्री हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और इसके साथ ही ज्योतिष भी हैं। और कार्यक्रम शुरू हो गया है हमारा किस्मत कनेक्शन, अगले आधे घंटे के लिए ये कार्यक्रम चलेगा। और इसके साथ ही अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ के आपकी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि रंजना जी आपकी जो परेशानियां हैं उनका उपाय भी यहां पर बताती हैं अंकों के आधार पर। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी परेशानियों को रख सकते हैं। तो कार्यक्रम की आज की शुरुआत करते हैं रंजना जी हम अंकों के साथ। अंक एक आज का क्या कहता है, कैसा पूरा दिन रहेगा एक अंक वालों के लिए? एक अंक वालों के लिए हम देख रहे हैं जैसे कार्ड जा रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ी कंफ्यूजन है इनको माइंड में। ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं अपना जॉब को चेंज करने के लिए, मगर अभी इनके लिए टाइम इतना अच्छा नहीं है, अभी कोई भी चेंजेस लाना इतना बेहतर नहीं रहेगा। अगर कोई करना भी चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सितंबर महीने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी अपने दिमाग में कन्फ्यूजन भी कम कीजिए, अपने काम पर ध्यान लगाइए और अपना काम करते चले जाइए। थोड़ी सी दिक्कतें आ जरूर रही हैं, मगर इनमें से क्या आप सीख ले सकते हैं उनको लीजिए और आप आगे बढ़ते चले जाइए। आपका रंग बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर है और आपका जो रंग अंक है वो है नंबर 3। आप जरूर आज 2 बेसन के लड्डू मंदिर में चढ़ाएं, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, दर्शक हमारे साथ जुड़ी है संध्या। संध्या बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार रंजना जी। नमस्ते जी। हाँ जी मैम, मैंने कई बार अपने भाई के बारे में पूछ लिया है जी, और उसका नाम आकाश है जी। हाँ जी, उसकी जन्म तारीख है 17 जून 1982 जी। टाइम रात के 9:30 के आसपास है, दिल्ली का जन्म है जी। जी मैम, किसी ने उसको, जैसे आप टैरो कार्ड रीडर है ना, वैसे उसको कोई किसी ने बताया कि तुम जन्म भूमि छोड़ोगे तो जब तुम्हारी जिंदगी बनेगी। तो मैम क्या इसको जन्म भूमि छोड़नी पड़ेगी? हम इस चीज को लेके बहुत परेशान हो गए, कभी कभी कुछ नई बात आती है, कभी कुछ नया, इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये बताइए कि जन्म भूमि छोड़नी पड़ेगी? हम नहीं चाहते कि एक भाई है वो भी चला जाएगा मम्मी को छोड़कर, तो कैसे होगा सब कुछ ठीक? नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको जन्म भूमि छोड़नी पड़ेगी। ये यहीं पे रहकर अपनी बहुत मेहनत अपनी करनी शुरू करें, उससे ज़रूर इनको फ़ायदा होगा। और देखिए, जन्म भूमि में तो फिर भी आपके सगे संबंधी होते हैं, सब होते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका हल निकल आता है। जन्म भूमि छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ एकदम अकेले पड़ जाएंगे तो इनको और भी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। इनका नंबर जैसे है, शनि का नंबर है, तो इनको हमेशा मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और इनको सगे संबंधियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आपको मैं यही सजेस्ट करती हूँ, कई बार लोग, मैं किसी से के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मगर मैं यही कहूँगी कि इनको बोलो यहीं पे रहकर मेहनत करें, अपनी माँ का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, भाई बहनों का प्यार लें और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ें। ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, मगर उनको कहीं और जाने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संध्या कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए और अपने जो भी सवाल हैं, शंकाएं हैं, परेशानियां हैं वो आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए रंजना जी अंकों के साथ, 2 अंक आज का क्या कहता है, कैसा 2 अंक वालों का आज का पूरा दिन रहेगा? 2 अंक वालों के लिए हम देखते हैं इनको थोड़ी सी लाइफ में पेशेंस लानी पड़ेगी। ये कुछ ना कुछ अपने घर में बदलाव लाना चाहते हैं, अपना या तो घर चेंज करना चाहते हैं या ये सोच रहे हैं कि अपने घर में कोई चेंजेस
लेकर आए। तो जो भी डिसीजन लेनी है इनको जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही इनको फायदा रहेगा। इनको सजेशन यही देना चाहते हैं कि कोई भी चेंजेस जो अपने घर में लाएं वो वास्तु के हिसाब से लेकर आएं, ताकि उसके बाद से इनकी लाइफ में और भी ज़्यादा बरकत हो और इनके घर में भी और बरकत हो। ये जो डिसीजन है आप अवश्य लें, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करके ये अगर आप डिसीजन लेंगे तो और भी ज़्यादा आपको भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा। आपका रंग भी बहुत अच्छा है, वो है केसरिया, और आपका जो अंक है वो है नंबर एक। बिल्कुल, रंग और अंक दोनों आपका बहुत अच्छा है। अंजलि हमारे साथ जुड़ी है, दर्शक हैं। अंजलि बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्ते मैम जी। नमस्कार, मैं मेरी बैंक के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1999। हाँ, उसकी नौकरी कब तक लगेगी? हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, नाम बता दें आप उनका, बहन का अपनी। क्या नाम है उनका? क्या नाम है कह रहे? उषा नाम है उनका। उषा, उषा, उषा नाम है। ठीक है, हरियाणा पुलिस में अभी वो क्या कोचिंग वगैरह ले रही हैं कुछ? देखिए, इनके जॉब के बारे में आप पता करना चाह रही है ना, तो इनको देखो मेहनती बहुत ज़्यादा है, मगर इनको शनि का दान अवश्य करना पड़ेगा। हर शनिवार वाले दिन इनको तेल और काली उड़द का दान करना पड़ेगा, और इनको डेफिनेटली ये एक और उपाय करना पड़ेगा कि हर मंगलवार वाले दिन इनको हनुमान जी के मंदिर ये ज़रूर जाना शुरू कर दें। और फिर देखिए, इनको ये जो एग्ज़ाम के लिए जाएंगे उसमें ये ज़रूर पास होंगी और आगे चल के इनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा होगी। मगर एक और बताना चाहती हूँ कि बाजरा और चीनी का भी दान ज़रूर रोज़ करें, क्योंकि इनके माइंड में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, कई बार ये डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम रहती है। तो ये दो तीन उपाय जो बताए हैं इनको आप करेंगी तो आपकी जो बहन है आगे चलकर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। बिल्कुल, तरक्की करेगी। इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नसीब। नसीब जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी नसीब जी, सुन पा रहे हैं आप? नसीब जी, हाँ जी, जी क्या पूछना चाहते हैं आप? जी क्या जी, क्या पूछना चाहते हैं नसीब जी आप? अपने किस्मत के बारे में पूछना चाहते हैं। चलिए अपनी किस्मत के बारे में पूछना चाहते हैं, लेकिन क्या कुछ परेशानी है आपको? चलिए अपने बारे में, चलिए अपने बारे में ही वो पूछना चाहते हैं कि काम के बारे में। हाँ, काम की क्या, किस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं नसीब जी? काम के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, परिवार के बारे में? काम के बारे में। जी चलिए, काम के बारे में पूछना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका नसीब जी? क्या जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि क्या है? 21/2 एक बार फिर से दोहरा दें, क्या बताया आपने? 21/2 अच्छा ठीक है, 21/2 ठीक है, ठीक है जी, बता रहे हैं। नसीब जी देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो हैं आपकी लाइफ में, मगर हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप हो सके तो चींटी और चिड़ियों को रोज़ दाना डालना शुरू कर दीजिए, उनको पक्षियों को दाना डालिए, उनको जल देना शुरू कीजिए, फिर देखिए धीरे धीरे आपका नसीब भी खुलेगा और आपके आगे चलकर बहुत ज़्यादा बरकत भी होने वाली है। मगर कहीं पे जो ये थोड़ी सी टोक सी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको नौकरी भी मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। खाली आप अपना थोड़ा सा माइंड में कंट्रोल अपना थोड़ा लाइए, क्योंकि आप बहुत जल्दी डिसीजन जो है अपनी चेंज करते रहते हैं कि ये करूं कि वो करूं, और ज़रा सा कोई कुछ आपको बोलता है बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग कीजिए और जो हमने आपको दान बोला है वो कीजिए, फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया नसीब जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कमलजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कमलजीत जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी नमस्कार मैम, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1993। जी हाँ जी, मैं उसके कैरियर, उसने सीए की एग्जाम दे रखे हैं 5-6 साल से, मैं पूछना चाहती हूँ उसके क्लियर होंगे कि नहीं और उसकी शादी कब तक होगी। चलिए नाम बता दें आप बेटी का। अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, हाँ जी चलिए बता रही है मैडम, बता रही है। तो पहले इनके सीए के एग्जाम्स का देख लेते हैं, अभी इनका कौन सा ईयर चल रहा है?
देखिए सीए का एग्जाम तो ये बहुत अच्छे से पास कर लेंगी, बिकॉज मेहनती बहुत है, खाली थोड़ी सी सेंसिटिव इमोशनल बहुत ज्यादा है, मगर ये इनका एग्जाम जरूर पास कर लेंगी। और इनके लाइफ के जो आप सोच रहे हैं कि शादी कब तक होगी वो भी हम बता देते हैं। शादी में थोड़ा सा भी पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा समय लगेगा, इनको एग्ज़ाम कर लेने दीजिए अच्छे से, क्योंकि शादी के बाद ये घर से थोड़ी सी दूर जाएंगी, तो ये शादी इनकी जो है वो अगले साल तक होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और इसमें फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमको आपको यही सजेस्ट करते हैं कि हर गुरुवार वाले दिन आप ज़रूर गुरुद्वारे जाइए, अरदास कीजिए, फिर आप देखिए दोनों तरफ से आपकी बेटी बहुत ज़्यादा सफल होगी। चलिए बहुत शुक्रिया कमल जी जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ संतोष हमारे साथ जुड़ी हैं, दर्शक हैं। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैडम मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी अपने बारे में, क्या अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं संतोष जी? जी जय परेशानियाँ जैसे कैसे, स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड है, पारिवारिक समस्या है, या फिर किस तरीके की परेशानी? आर्थिक परेशानी। संतोष जी आपका जन्म तिथि बता दें आप। 13 जून 13/6/1986। चलिए चलिए बता रही हैं मैम, बता रही हैं आपको आर्थिक तंगी से परेशान है। कोई बात नहीं संतोष जी, आपको इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, आप अब ज़रूर आपका ठीक होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि कच्चा दूध में, कच्चे दूध में थोड़ा सा जल डाल के आप रोज़ पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कीजिए, और खाली संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन नहीं कीजिए, ये रोज़ आप कीजिए। और उसके ऊपर रोज़ एक शाम को जाकर एक दिया भी जलाइए सरसों के तेल का, फिर आप देखिए धीरे धीरे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करती हूँ, ओम लक्ष्मी नमः का मंत्र 108 बारी रोज बिना नागा कीजिए, थोड़ा समय जरूर लगेगा मगर आपकी ये जो तंगी है बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये जो पीपल के पेड़ का भी बताया उपाय इसको भी आप कीजिए, और बहुत जल्द आपका फर्क पड़ेगा, और टेंशन्स भी खत्म होंगी, घर में खुशहाली भी आएगी और पैसा भी आएगा। चलिए बहुत शुक्रिया संतोष जी कार्यक्रम में जुड़ने के साथ। और इसी के साथ अगले दर्शक सरोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, सरोज जी बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहती हैं आप? सरोज जी सुन पा रही हैं आप? जी स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सरोज जी क्या सुन पा रही हैं आप हमें? जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? लड़का का बारे में पूछना है। किसके बारे में पूछना है? विशाल है जी, मेरे लड़का का नाम है। विशाल, बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं। बेटे की जन्म तिथि बता दें और क्या पूछना चाहती हैं ये भी आप बताएं। हाँ जी, बेटे की जन्म तिथि क्या है सरोज जी? जन्म तिथि का ये एक एक 1982। एक 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 1982। चलिए लग रहा है कि आवाज उनकी साफ तौर पर नहीं मिल पा रही है, और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार और अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं। लेकिन आप जब इस कार्यक्रम में जुड़े तो अपना जो टीवी का वॉल्यूम है उसको कम कर दें, ताकि आप हमें पूरी तरीके से सुन पाएं और आपके सवालों को हम यहाँ पर रख पाएं। वक्त हो गया हमारे कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक का, ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं रंजना राणा जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर, अंक शास्त्री और ज्योतिष हैं। आपके भविष्य के बारे में, आपके आज के पूरे दिन के बारे में अंकों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं रंजना जी, अंकों में आते हैं। अंक 3 आज का क्या कहता है, कैसा पूरा दिन रहेगा 3 अंक वालों के लिए?
तीन अंक वालों के लिए तो दिन बहुत ही बढ़िया है, इनकी सोशली भी इनके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा है और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है। जैसे कि कहें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ है इनके लिए आज के दिन के लिए। आज का दिन इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसको और भी बेहतर बनाने के लिए आप घर से शिव चालीसा का पाठ करके चलिए और आपके सारे काम सफल होंगे। और आपका जो रंग है वो है क्रीम कलर और आपका जो अंक है वो है नंबर दो। बिल्कुल, अंक और नंबर दोनों ही आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन अंक और नंबरों के साथ साथ जो उपाय यहाँ पर बताती हैं रंजना जी, उन उपायों को भी आपको अपने घर पर करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद परेशानियाँ जो हैं आप कहें कि नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो इसमें कोई एक तरीके से कहें कि आप ही की गलती मानी जाएगी, क्योंकि उपायों को आपको करना बहुत ज़रूरी है। अंकों में आगे बढ़ते हुए रंजना जी, चार अंक अब में आते हैं। चार अंक वालों के लिए कैसा आज का पूरा दिन रहेगा और इसके साथ ही भविष्य कैसा रहेगा? चार अंक वालों के लिए भी हम देखते हैं, एकदम टॉप कार्ड जो होता है वो आया है इनका टैरो कार्ड्स में, एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी बहुत सक्सेस होने वाली है। स्पेशली अगर ये कोई एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं या इनका कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड जॉब है उसको आज आप करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जिसकी भी अपने लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए आज के दिन बहुत ही अच्छा प्रपोजल भी आने वाला है। तो आज का दिन नंबर चार वालों के लिए बहुत ही बेहतर है। इनको और भी बेहतर बनाने के लिए हल्दी का टीका अगर आप घर से लगा कर बाहर जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपका रंग जो है वो है ब्लैक और आपका जो अंक है वो है नंबर आठ। बिल्कुल, जो उपाय बताए हैं यानी कि हल्दी का टीका लगाकर ही आप जाएं, इन उपायों को करने से बहुत फायदा आपको होता है। आगे बढ़ते हुए पांच अंक में आए हम रंजना जी, पांच अंक क्या कहता है, कैसा पूरा दिन रहेगा पांच अंक वालों के लिए? पांच अंक वालों के लिए हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनको डेफिनेटली कोई अच्छी न्यूज़ अपने प्रमोशन की या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाइज हम देखते हैं उनको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, जिससे कि इनका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इनको उसमें फ़ायदा होने वाला है। तो पांच अंक वालों के लिए भी दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इनका जो रंग है वो है ग्रे कलर और इनका जो अंक है वो है नंबर चार। किसी ज़रूरतमंद को आज भरपेट खाना खिला दीजिए, उसे और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, लाभ मिलेगा और भगवान विष्णु का भी आज दिन है, उस ओर से भी देखें तो वाकई में कृपा दृष्टि अंकों के आधार पर हम लोगों की बात कर रहे हैं तमाम, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर आज का दिन बता रही हैं रंजना राणा जी। आगे बढ़ते हुए रंजना जी, छः में आए हम, छः अंक क्या कहता है, कैसा पूरा दिन रहेगा? छः अंक वालों के लिए हम देखते हैं उनका भी दिन तो बहुत अच्छा है मगर कहीं थोड़ा सा इमोशनली डाउन है, थोड़ा सा परेशान है कुछ ना कुछ बातों को लेकर, और इन बातों का हल इनको जो है थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा पूजा पाठ से ही फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा एक छोटा सा और उपाय कीजिए कि आज एक केले के पेड़ के नीचे आप चने की दाल, गुड़ और थोड़ी हल्दी की गांठ डाल के आइए, उसके बाद आप अपना घर अपना काम शुरू कीजिए, फिर आप देखिए कि जो थोड़ी बहुत आपके माइंड में टेंशन है, डिप्रेशन है, वो बहुत जल्द आपका खत्म होने वाला है। आपका रंग बहुत अच्छा है, वह है ग्रीन और अंक जो है वह है नंबर पाँच। वाकई में रंग बहुत अच्छा है रंजना जी, छह अंक वालों के लिए ग्रीन रंग यानी हरियाली का, खुशहाली का रंग माना जाता है। आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में अंकों में आगे बढ़ते हैं, सात अंक क्या कहता है, सात अंक वालों का कैसा दिन रहेगा आज का? सात अंक वालों के लिए हम देखते हैं काफी दिन से कुछ फेलियर इनकी लाइफ में आ रहा है, इनके काम कुछ नहीं बन पा रहे हैं, डिप्रेशन में भी हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी हैं, और कोई ना कोई हम इनको ये सजेशन देते हैं कि कोई अपने घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे आप जाकर सलाह मशवरा कीजिए, और जो भी आप काम शुरू करने का सोच रहे हैं उसको उनसे सलाह मशवरा करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद आज का दिन बहुत बेहतर है, उसको आप शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए जो भी आप कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपका रंग भी बहुत अच्छा है रेड कलर और आपका जो अंक है वो है नंबर नाइन। लाल रंग जो कि फुल ऑफ एनर्जी होता है, ये एनर्जी जो कि आपको बहुत ज़रूरत है इस समय। बिल्कुल, लाल रंग आपका है, बहुत अच्छा रंग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आपको एक तरीके से नोट करने वाली बात है वो उपायों पर, ये हम शुरू से लेकर अंत तक आपको कहते हैं कि उपायों को आप ज़रूर अपने घर पर करें, जिससे कि आपकी सुख समृद्धि परेशानियां ख़त्म और इसके साथ ही खुशहाली घर में आएगी, लेकिन उसके लिए उपाय बहुत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हुए आठ अंक में आएँ, आठ अंक आज का क्या कहता है?
आठ अंक वालों के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा बच्चों को लेके परेशान दिखाई दे रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हैं, कंफ्यूज भी हैं और उनको लेकर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के अंदर मन में टेंशन बनी हुई है। तो उनके लिए हम इनको यही सजेशन देना चाहते हैं कि ज़रूर अपने बच्चों को सजेशन दीजिए कि वो रोज़ गायत्री मंत्र का जाप 11 बार करें और रात को सोने से पहले उनको बहुत ज़रूरी है कि वो पैर अच्छे से धुलाई करें और अपने माथे पर थोड़ा सा तिलक लगा कर वो सोएं ताकि उनकी जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा आप उनको ये भी सजेशन दीजिए बच्चों को कि सोने से पहले आधा घंटा पहले अपना फ़ोन और टीवी देखना बंद कर दें, कुछ पढ़ाई करें, कुछ कोई भी चीज़ को पढ़ाई करके सोएंगे, रीड करके सोएंगे, उससे उनका भी माइंड रिलैक्स होगा, वो सुबह उठेंगे तो फ्रेश होंगे और फिर उसके बाद जो वो डिसीजन लेना चाहेंगे वो सही होगा। ये प्रॉब्लम जो है आपकी वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ये बच्चे ठीक से रात को सो नहीं पा रहे, इसलिए डिसीजंस भी गलत ले रहे हैं। इनका रंग जो है वो है पिंक और इनका जो अंक है वो है नंबर 6। बिल्कुल, बच्चों में खासकर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उन पर अगर ध्यान थोड़ा सा भी हट जाए तो बच्चे भी थोड़ा सा भटक से जाते हैं। तो बच्चे पर ज़्यादा फोकस रखिए, आप ध्यान दीजिए क्योंकि अच्छी एक तरीके से कहें हम, रंजना जी ने सुझाव भी अपने दर्शकों को दिया है। 9 अंक की बात करें, रंजना जी क्या कहता है 9 अंक? 9 अंक वालों के लिए हम देखते हैं कार्ड्स जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, मगर इनमें भी ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेके ये थोड़ा सा कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि आप रोज़ तुलसी जी पे केसर डाल के उसको सींचना शुरू कर दीजिए ताकि जो भी ये रिलेशनशिप इशू है, जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत जल्द आपकी खत्म हो जाए। और आपका जो रंग है वो अच्छा है, बहुत ब्राउन प्लस मरून कलर है और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। हो सके तो किसी अपंग को ज़रूर आप मंगलवार वाले दिन गुड़ की बनी हुई चीज़ कोई ज़रूर देना शुरू कीजिए, फिर आप देखिए जो भी जो आपकी टेंशन हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, ये जो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत जल्दी हवा हो जाएगी। चलिए, ये तो थे अंकों के आधार पर दर्शकों को बताया गया कि कैसा पूरा दिन रहने वाला है, लेकिन रंजना जी सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, हम चाहेंगे कि आप उसके लिए भी कुछ सुझाव दें, कुछ उपाय ऐसे। 13 तारीख को कल सुबह सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ताकि वैसे तो इंडिया में ये आंशिक होगा क्योंकि ये ज़्यादातर तो इंग्लैंड में है, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, मगर यहाँ पे सुबह के समय 7:18 से लेके 8:05 पे इसका इफेक्ट रहेगा। इसमें हम यही सजेशन देते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम स्नान करना बहुत अच्छा होता है, गंगा स्नान स्पेशली, और इसके अलावा हम यही सजेशन देते हैं कि इस समय जितना भी आप कुछ कोई भी चीज़ ना खाएं तो उसमें बेहतर होगा, और जितनी भी चीज़ें अगर आपकी सुबह जल्दी बन जाती हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर उसके बाद ही उसका सेवन कीजिएगा। ये समय है पूजा पाठ का, दान पुण्य का, तो वो आप ज़रूर कीजिए, आप उसको मूंग की दाल, चावल कुछ भी हो उसको आप दान कीजिए। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी हम सजेस्ट करते हैं कि वो सोए नहीं, उठ के स्नान उसके पहले कर लें 7 बजे से, और उसके साथ साथ 1 घंटा उनको या तो दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए, कोई भी चीज़ काटनी नहीं चाहिए, सुई एक्सेट्रा कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए, मगर सोना भी नहीं चाहिए, बिस्तर में भी नहीं रहना चाहिए, आराम से बैठ के ये अपना ये दुर्गा स्तुति का पाठ करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। डरने की बात कोई नहीं होती है सूर्य ग्रहण से, खाली एक थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है ताकि जो भी ये हमारी सिचुएशन आई है उसको हम कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें। चलिए, तो ये कुछ उपाय भी रंजना जी ने बताए हैं, और जैसे कि 13 जुलाई को ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो उसके लिए डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। रंजना जी बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।